क्या बात है, सड़कें गीली पड़ी हैं, रात को बारिश हुई है। अरे 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 अरे, मच नीडेड मच नीडेड। मैं अभी उठी हूँ और मुझे कमल ने बताया कि जो जो रात को बारिश हुई है। मैंने कहा यार उठ के देखना चाहिए। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी इतने दिनों से कि मैं क्या बताऊँ। और पता नहीं बारिश देख के मेरी टांग भी मुझे लग रहा है बेटर हो गई है, मतलब मेरा जो पैर था। चाय पी रही हूँ मैं, खिड़की के पास खड़ी होगी, नहीं तो मुझे चाय की ऐसी होती है कि मैं ना बेड में रह के पीना पसंद करती हूँ और पूरा एकदम आलस मारती हूँ चाय के साथ अपने आप लोगों को पता ही है। बट मैं खिंची आई खिड़की की तरफ, मज़ा आ गया। बहुत प्यारा लग रहा है यार मौसम। मैं दिल्ली में इतने दिनों से सुन रही थी कि मौसम बड़ा अच्छा है, मौसम बड़ा अच्छा है। इनफैक्ट पंजाब में भी बोल रहे थे लोग कि मौसम बड़ा अच्छा है, पर मैंने कहा यार मुंबई में पता नहीं कब ये मौसम अच्छा होएगा। और बस भगवान ने मेरी सुन ली। गुड मॉर्निंग मिस्टू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्यारी चाहिए और मिलो बच्चा। एलेक्सा प्ले आतिफ असलम सॉन्ग्स। Shuffling songs by Atif Aslam on Amazon Music. छेने बीवी आ गया छी। अरे बाबू आ गया तू। गुड मॉर्निंग। अच्छा आज मुझे एक काम करना था, मेरे को मेरी ये जो रिंग लाइट है तो इस पे मेरे को ना थोड़ा वो जो बटर पेपर टाइप होता है ना, इसकी लाइट को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए वो लगाना था। तो मैंने सोचा पहले वो कर लेती हूँ। आज मौसम इतना अच्छा है कि काम करने का बहुत मन हो रहा है। ऑलराइट डन। इतनी जगह नहीं हो पाई क्योंकि इधर बहुत कुछ ये बटन वगैरह लगे हैं, बट रेस्ट इज डन। आई थिंक इससे थोड़ा बेटर हो जाएगा। ओके कमल को नाश्ता देके मैं नहा ली और मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ। मेरे लिए बेसिकली एक्सट्रीम हो रही है, एकदम से बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है और एकदम से बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें होने के बहुत सारे रीजंस हैं। अच्छा होने का सबसे अच्छा रीज़न ये है कि आज बहुत टाइम बाद मुंबई में बहुत अच्छा मौसम है। नॉट रियली अ वेरी गुड टाइम टू शूट बिकॉज सनलाइट नहीं है, बट आई एम स्टिल गन शूट समथिंग, आई एम स्टिल गन डू समथिंग। तो अभी मैं नहा के निकली हूँ, मैंने अपना सर्वर धोया है और मैं करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी, जिसके लिए सबसे पहले मुझे अपना सूट आयरन करना है। मेरे दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ हैं जो मैंने एक्चुअली लिख के रखे हुए हैं, वो मुझे बारी बारी से शूट करने थे, बट मेरी तबीयत के कारण मेरी जो शूटिंग की स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो गई है। बट आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी शूट करूँ सारी चीज़ें। सो या सबसे पहले मैं सूट निकालती हूँ और हम सूट जो है वो आयरन करते हैं। वो जो आतिफ असलम के गाने चलाए थे वो अभी तक चल रहे हैं। अच्छा किचन में आई हूँ तो मुझे याद आया कि मुझे अपना ब्रेकफास्ट भी करना है। तो वीडियो शूट शुरू करने से पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे क्या होता है एकदम से भूख नहीं लगती है, लेकिन जब लगती है तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और एकदम से याद आता है कि अरे ब्रेकफास्ट नहीं किया। लेट कर रही हूँ आज काफ़ी मैं, आई थिंक 12 बजने वाले हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ चाय के अलावा। तो हम जो है सबसे पहले नाश्ता करेंगे और फिर मैं कुछ अपना वीडियो शूट करना शुरू करूँगी। हाल देख लो, जब कमल के लिए बनाना होता ना तो इतना ध्यान से सोच समझ के बनाती हूँ कि अरे टूटना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अपन बनाती हूँ तो देख लो ज़रा, सब बह गया बेचारा इधर उधर। एलेक्सा स्टॉप। तू भी आ गया, तू आ गया। Multiplying,
I've been trying to get my weight up, staying prayed up, meditating and taking time away. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in. Yeah. Okay, कुछ तकरीबन एक घंटा या डेढ़ घंटा हो गया आई थिंक. अब मेरी तैयारियां खत्म हुई हैं. एनीवे बच्चे आ गए हैं, दोनों पापा ने मेरे पास छोड़ दिए. तो हाँ मेरा बच्चा अट्टू आ जाओ आ जाओ. पापा ने निकाल दिया बाहर, बाहर निकाल दिया पप्पू ने. आ जाओ ये देखो दोनों अट्टू आ जा. एनीवे सो मैं कैमरा लगा लेती हूँ और अपना वीडियो शुरू करती हूँ फाइनली, और फिर वापस व्लॉग पे आती हूँ. हेलो, आई जस्ट गॉट डन विथ शूटिंग द वीडियो और ये मेकअप लुक है जो मैंने क्रिएट की है. अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली है तो यानी कि मैं अपलोड कर चुकी हूँ. बाय द वे मैंने बहुत टाइम के बाद अपना मंगलसूत्र पहना है, पास से दिखा देती हूँ. दिस इज द मंगलसूत्र, ये देखो. घर में ऑब्वियसली मतलब क्या ही पहनो, फंक्शन वगैरह पे पहनती हूँ मैं, बट वैसे नहीं पहनती हूँ. तो आज ये जो लुक थी वो थी ही ऐसी कि जिसमें मंगलसूत्र पहनना यू नो परफेक्ट था. सो मैंने पहन लिया. एनीवे चूड़ा भी पहन लिया, बहुत सारी चीज़ें. अब कुछ भी नहीं करना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना है, कोई त्यौहार नहीं है, कुछ नहीं है. अब मैं सिंपली जाके मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है बट मुझे मेकअप उतारना पड़ेगा. लेकिन ऐसे ही होता है यू नो, मेकअप वीडियो बनाते हो ना तो मेकअप ख़त्म होते ही आपको मेकअप रिमूव करना होता है. इतनी मेहनत करके एकदम से रिमूव कर दो, बट एनीवे वही है हमारी जॉब. अभी मैं ये देख लो खलारा जो डला हुआ है. ओ बाय द वे मैंने नीचे जो है पजामा पहना हुआ है, नीचे कुछ पहना नहीं है मैंने. ये इसके साथ का शरारा है ये, जो ऑब्वियसली पहनने की ज़रूरत नहीं थी, वीडियो में दिखना नहीं था. एंड ये है सब जो खलारा डला है, ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, सब कुछ करना है. बाय द वे ये आज जो मैंने किया है ना सुबह, वो बहुत अच्छा मेरे को उससे रिजल्ट मिला है. होपफुली अभी जब वीडियो एडिट करूँगी तो पता चलेगा अच्छे से क्या रिजल्ट आया है. सो जब आप ये वाली वीडियो देखोगे ना, ये पिंक सूट वाली न्यूली वेड, तो समझ जाना मैंने न्यू सेटअप में किया है और यहाँ बैठ के किया है, बिल्कुल नेचुरल लाइट का यूज़ नहीं किया है. एडिट करते हुए पता चलेगा कि अगर तो अच्छा लगा मुझे रिजल्ट, तो मैं आगे भी इस तरीके के सेटअप पे शूट किया करूँगी. अगर नहीं लगा तो फिर चोना आ गया फिर से पीछे आ गया. ये ना चूड़े से डर रही है, बहुत चीज़ों से डरती है ये. क्या डर है बाबू, कुछ भी नहीं है इसमें तो, कुछ भी नहीं है. ये देखो स्मेल कर लो, कुछ भी नहीं है, ठीक है. ये देखो ये ओले बाबू, ये कुछ भी नहीं है. ये देखो देखो, टच कर लो, कुछ भी नहीं है. मम्मा का हाथ है, मम्मा की चूलियाँ हैं, ये ठीक है. हैप्पी. ये देखो ओए ओए, कुछ भी नहीं है. अच्छा ठीक है, सब कुछ उतारना पड़ेगा. जब कितना मन कर रहा है लेकिन रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से ये सब चेंज करके पता है क्या करना है, खाना बनाना है. सो इसलिए इसमें तो मैं खाना बना नहीं सकती हूँ, उतारना तो पड़ेगा, भले ही मैं अपने आप को कितनी अच्छी लग रही हूँ. एक्चुअली कब से बाहर नहीं गए ना, कोई फेस्टिवल भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो इसलिए मैं तैयार नहीं हुई हूँ. तो इसलिए ऐसे लग रहा है कि आ गए हम अपने असली रूप में. अब मैं फेस वगैरह धोऊंगी. यार जो फ्रेश फेस का मजा है ना, वैसे वो मजा ही नहीं है किसी भी मेकअप में. एनीवे अब मैं फेस वगैरह धोऊंगी. ऑलराइट, माय मोस्ट फेवरेट फेस वॉश, आप लोगों ने इसको भी काफी सारे वीडियोस में देखा होगा. खत्म होने वाला ही है ये, इसको मुझे मंगाना है. दो वी आर अवॉइडिंग शॉपिंग, लाइक जब तक जरूरी नहीं है ना तब तक मैं कोई चीज़ नहीं मंगा रही हूँ. बट
There are couple of things skin care से related जिसके लिए मैं chance नहीं लेना चाहती because अगर आप लोगों ने notice किया है I don't know मेरी skin पिछले 2-3 महीने से खासतौर पर जब से lockdown शुरू हुआ है तब से बहुत अच्छी हो गई and I do not really want to take a risk so जिन लोगों को नहीं पता है this is the face wash that I use थोड़ा expensive है ये no doubt expensive है लेकिन worth it है that's the reason मैं इसको बार बार मंगवाती हूँ और अब इसको मंगवाने का टाइम आ गया है मे बी आप शायद लॉकडाउन हॉल देखोगे अगर कभी मेरे चैनल पे तो उसमें देखोगे मैंने न्यू मंगवा लिया है इसको मुझे ऑर्डर करना है और या So yeah, this is it. I hope you guys enjoyed the video. अभी मेरे को अपना face भी पोंछना है और ये सब करके मैं जाऊंगी अपना खाना वाना की तैयारी करूंगी and yeah, I'm gonna see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care.